सभी का फिर से एक बार मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ मार्केट को। और गाइस कल भी मैं मार्केट ही गया था। कल मैंने कॉपी किताब भेजने थे और पन्नी वगैरह भी भेजनी थी। कल तो मैंने पन्नी भेजी फिर, क्योंकि गाड़ी वाला जा नहीं रहा था घर, तो आज जाएगा अभी मेरे को कॉपी किताब लेने हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है। क्या देखिए गाइस, आज मार्केट का हाल कुछ ऐसा है और गर्मी थोड़ी थोड़ी हो और ज़्यादा देर कुछ नहीं है बैठा। देखिए गाइस, हल्द्वानी का बस स्टेशन लोग देख सकते हैं। बस स्टेशन में भी अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और देखिए यहाँ का सीन, अभी आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ पे 20 रुपए में 4 रोटी चावल दाल मिलते हैं। अभी आप लोगों को वहाँ पे ले चलता हूँ आज। तो गाइस वो है सरस मार्केट में, एक मतलब खाने का होटल जैसा ही है और वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। और अभी वहाँ पे चलते हैं आपको लेके, अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे सरस मार्केट में जाके। और मैं वहीं पे खाना खाऊंगा, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो गया और अभी थोड़ा बहुत काम है हल्द्वानी में। उसके बाद जाऊँगा अपने कमरे में, को कॉपी किताब सामान वगैरह तो दे दिया और गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं वहीं पे। गाइस यहाँ पर आपको मतलब 20 रुपये दे के अपना नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है, उसके बाद आपको पानी वगैरह खुद देना होता है। सामने आपको काउंटर पर मिल जाएगा खाना, आपको वहाँ से खुद उठाना होता है। मतलब यहाँ पर कोई मतलब सर्वेंट वगैरह नहीं है ऐसे, स्वयं सहायता समूह के लिए है ये इंतजाम बोलना है। यहाँ पर ऐसा है, बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं। और यहाँ पर से यहाँ पर काउंटर है, यहाँ पर से आपको मिल जाएगा, अभी मेरे को मिलेगा, अभी ले जाऊँगा मैं। देखिए गाइस खाना आ चुका है, प्याज भी है और आलू बैंगन की सब्ज़ी है और दाल की है, दाल का तो मेरे को पता नहीं चला, और चार रोटियाँ और चावल। और यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, दाल किसकी है पता नहीं चल रहा मेरे को, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। अपना पेट तो फुल हो चुका है और अभी मैंने खाना वगैरह तो खा लिया है और आपको भी दिखा दिया कि कहाँ पर है मार्केट। और दूसरे या दूसरे मंजिल पे है ये, और गाइस आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं खाना खाने के लिए। बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हैं बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं अभी बाहर बहुत तेज बारिश लगी हुई है। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी बाहर बहुत तेज बारिश लगी है और आप सभी का बहुत